बड़ी खबर के साथ अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सियासत के बदलापों में भोपाल की जंग दिन पर दिन तीखी होती जा रही है। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर तंज कसा और कहा कि अगर साध्वी प्रज्ञा आतंकी मसूद अजहर को शहादत दे दें तो हमें सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ने शहीद करकरे के लिए विवादित बयान देते हुए कहा था कि उनके श्राप की वजह से ही शहीद करकरे उस दौरान शहीद हो गए थे। बहादुर हेमंत करकरे जिसने भारत माता की हिफाजत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसके बारे में साध्वी कहती मैंने श्राप दे दिया था इसलिए वो मर गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देकर। अगर श्राप आपका इतना मजबूत है तो मसूद अजहर को श्राप क्यों नहीं देती जो वहां बन रहा है? उन आतंकवादियों को श्राप दो ना साध्वी जी, ताकि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत ही ना पड़े, आपकी सर्जिकल स्ट्राइक यहीं से हो जाएगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो कि भोपाल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अपने विरोधी बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर तंज कसते हुए कि अगर श्राप देने से उनके इतना बड़ा असर पड़ता है तो वो क्यों नहीं मसूद अजहर को श्राप दे दें जिससे आगे के आगे कभी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत ही न पड़े। संवाददाता प्रशांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत, ऐसा लग रहा है कि भोपाल की सीट अब एक कांटे की सीट में तब्दील होती जा रही है। एक के बाद एक बयान जो कि शुरुआत की गई थी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से, अब उन बयानों की फेहरिस्त दिग्विजय सिंह की तरफ से भी बढ़ती चली जा रही है और दिग्विजय ने सीधा सीधा तंज प्रज्ञा ठाकुर पर कसा है और इसके चलते मुकाबला कांटे का दिखने लगा है कम से कम प्रचार में। तो जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव को लेकर जहाँ पर जो है कि राजनीतिक जो माहौल है वो गर्मा गया है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है भोपाल, जहाँ पर खेल दिलचस्प हो चुका है। यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार है प्रज्ञा ठाकुर और कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह, इनके बीच में कांटे की टक्कर के साथ बीच जवानी चक्कर भी चल रही है। जहाँ पर साध्वी ठाकुर ने एक बार बयान दिया था हेमंत करकरे को लेकर कि हेमंत करकरे के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया है, जिसके बाद उन्होंने श्राप दिया था और जिससे हेमंत करकरे जो है इस दुनिया में नहीं रहे। इसी तरीके के जो बयानबाजी है पहले प्रज्ञा साध्वी की तरफ से, ठाकुर की तरफ से दी गई थी, इसके बाद में ये बयानबाजी बढ़ती जा रही है। यदि कल की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया है, उसमें साफ किया है कि अजहर जो साध्वी है वो अजहर मसूद को श्राप दे दें और सर्जिकल स्ट्राइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बयानबाजी यहाँ पर जोरों से है और ये भी अभी कुछ देर पहले ही प्रज्ञा साध्वी ने मीडिया से बात करते हुए ये तंज कसा है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो आतंकवादियों के सामने जी लगाते हैं, आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी आप साफ तौर से देखने को मिल रही है ये सबसे पहले प्रज्ञा साध्वी की तरफ से हुई थी और अब दिग्विजय सिंह की तरफ से, क्योंकि दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की राजनीति का चाशनी भी कहा जाता है। ऐसे में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है और अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। प्रशांत, शुरुआत प्रज्ञा ठाकुर ने की थी, उसके बाद अब दिग्विजय सिंह भी इसमें कूद पड़े हैं और कहते हैं कि जब शब्द अपनी सीमा खोते हैं, जब उम्मीदवार अपना संयम खोते हैं तो कहीं बहुत एक तरह का खतरा महसूस करते हुए लगते हैं। क्या कांग्रेस प्रज्ञा ठाकुर के इन बयानबाजी और भोपाल सीट पर उतरने के बाद से कांग्रेस किसी तरह का कोई डर महसूस कर रही है? कांग्रेस के अंदर खाने चल क्या रहा है वहां पर? यदि बात यदि डर की बात की जाए तो यहाँ पर नुकसान दोनों पार्टियों को बयानबाजी से होता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रज्ञा साध्वी बयान दे रही हैं, मैं आपको दो दिन पहले का वाक्य बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक रैली के दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह को आतंकी बोल दिया था, हालांकि उसके बाद में कुछ देर के बाद में उन्होंने अपने बयान से पलट गई थी और उन्होंने कहा कि हमने आतंकी नहीं बोला था, लेकिन साफ तौर से उन्होंने आतंकी बोला था। इसके बाद में उन्होंने सबसे पहला दौर यदि यहाँ पर शुरू हुआ था तो हेमंत करकरे जो शहीद हुए हैं उनको लेकर शुरू हुआ था, उनके ऊपर सबसे पहले बयान। क्या कांग्रेस प्रशांत किसी तरह का डर महसूस कर रही है जिसके चलते पुराने दिग्गज दिग्विजय सिंह भी इस तरह की बयानबाजी में कूद पड़े हैं? संक्षेप में बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं भोपाल से जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह भी अब सीधा सीधा टकराव के मूड में दिख रहे हैं, कम से कम बयानबाजी को लेकर। तो अब